सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्य हो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलिमुख माही, जलधि लांघ गए अचिरज नाही। महाबली हनुमान की शक्तियों से भला कौन परिचित नहीं है। चाहे वो लंका आकर माता सीता का पता लगाना हो, चाहे वो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उखाड़ कर लाना हो, हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। जैसा कि हम सब भली भांति जानते हैं कि सबके प्रिय और सबके पूज्य हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर भी वीर मकरध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। भला कैसे एक ब्रह्मचारी होते हुए भी पवन पुत्र हनुमान पिता बन गए और उनका ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटा। कौन था मकरध्वज और क्या है ये पूरा प्रसंग, आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं नारदवाणी। ये कथा तब की है जब माता सीता को लंका से वापस लाने तथा रावण को समाप्त करने हेतु राम और रावण की सेना में घमासान युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में युद्ध के पूर्व के समान ही युद्ध के मध्य में भी अनेकों ऐसी रोचक घटनाएं हुई जिनकी चर्चा आम कथाओं और प्रस्तुतियों में कम ही देखने को मिलती है। नारद वाणी ऐसे ही तमाम प्रसंग और रहस्यों से भरी कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाबली हनुमान से जुड़ा एक ऐसा ही प्रसंग है जब भगवान राम और लक्ष्मण संकट में पड़ गए और हनुमान ने उन्हें उस संकट से भी उबार लिया। लंका में युद्ध के दौरान रावण की सेना के सभी वीर और रावण के भाई बंधु एक के बाद एक आते और प्रभु श्री राम को परास्त करने का प्रयास करते, परंतु उन्हें इसमें सफलता कभी न मिलती और यदि कभी कोई संकट आ भी जाता तो उसका विनाश संकट मोचन हनुमान कर ही देते। ये प्रसंग तब का है जब राम रावण के युद्ध के समय रावण के भाई अहिरावण ने छल पूर्वक श्री राम तथा लक्ष्मण को बंदी बना लिया और बंधक बनाकर अपने साथ पाताल लोक ले गया था। तब हनुमान उन्हें छुड़ाने के लिए पाताल लोक जा पहुँचे, जहाँ उनका सामना मकरध्वज से हुआ जिसे अहिरावण ने पाताल लोक का प्रहरी नियुक्त कर रखा था। हनुमान के वहां पहुंचने पर मकरध्वज ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस पर हनुमान और मकरध्वज के बीच घमासान युद्ध हुआ और अंततः हनुमान जी विजयी हुए। हनुमान मकरध्वज की विचित्र काया को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित थे क्योंकि उसमें एक वानर तथा एक मछली दोनों का ही रूप मिश्रित था। युद्ध समाप्ति के पश्चात जब हनुमान ने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा तो उसने स्वयं को हनुमान पुत्र बताया। हनुमान जी ये सुनकर घोर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने क्रोधित होते हुए पूछा, क्या तुम नहीं जानते कि हनुमान बाल ब्रह्मचारी हैं? तुम भला ये कैसे कह सकते हो कि तुम हनुमान के पुत्र हो? तब मकरध्वज ने हनुमान को अपने जन्म की पूरी कथा सुनाई, जिसे सुनते हुए हनुमान ने ध्यान लगाया और देखा कि जब हनुमान भगवान श्री राम की आज्ञानुसार माता सीता की खोज में लंका पहुँचे थे तब मेघनाद द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया था और रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी। उसके बाद हनुमान ने उसी जलती हुई पूंछ से पूरी सोने की लंका को ही जला डाला, जिसमें रावण के महल सहित लंका के सभी सुरक्षा भवन, शस्त्र भंडार भवन आदि सब कुछ जलकर भस्म हो गया। लंका नगरी को आग के हवाले करने के बाद महाबली हनुमान अपनी पूंछ की आग को बुझाने हेतु समुद्र में कूद गए तथा पूंछ में लगी आग को बुझा लिया। पसीने से लथपथ हनुमान जब समुद्र में डुबकी लगाने के लिए कूदने ही वाले थे तभी उनके तन से पसीने की एक बूंद निकली जो समुद्र में जा गिरी, जिसे वहां पर तैरती हुई एक मछली ने आहार समझकर निगल लिया, जिसके फल स्वरूप वह उस बूंद की तेज से गर्भवती हो गई। एक दिन वह मछली तैरती हुई पाताल लोक जा पहुंची, जहां असुर राज अहिरावण के सेवकों ने उसे अपना आहार बनाने हेतु पकड़ लिया, परंतु जब उसके पेट को उन्होंने चीरा तो उसमें से एक शिशु निकला जिसका आधा तन वानर का तथा आधा तन मछली का था। मछली के पेट से निकलने के कारण उसका नाम मकरध्वज रखा गया और बाद में उसकी शक्ति को देखते हुए उसे पाताल नगरी का प्रहरी बना दिया गया। पूरी कथा सुनने के पश्चात जब हनुमान को विश्वास हो गया कि मकरध्वज उनका ही पुत्र है तो उन्होंने बताया कि वे ही उसके पिता हनुमान हैं। ये सुनते ही मकरध्वज नतमस्तक होकर हनुमान जी के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। हनुमान ने मकरध्वज को गले लगा लिया तथा उसे आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात हनुमान ने पाताल लोक में प्रवेश किया और अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम व लक्ष्मण को उसके बंधन से मुक्ति दिलाई। जब प्रभु श्री राम हनुमान के साथ पाताल लोक से पुनः पृथ्वी लोक जाने के लिए पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे तो मकरध्वज को देखकर हनुमान से उसका परिचय पूछा। तब हनुमान ने मकरध्वज और उससे जुड़ी
पूरी कथा श्री राम को सुनाई, जिसे सुनकर श्री राम मकर ध्वज की शक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने मकर ध्वज को पातालोक का राजा घोषित कर दिया और उसके बाद लक्ष्मण और हनुमान सहित वहां से लंका की ओर चल पड़े। हमें पूर्ण विश्वास है कि महावीर हनुमान के पुत्र मकर ध्वज से जुड़ी ये कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव हमें अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी और रोचक कथा।